नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सूबे की TMC सरकार और इंडिया ब्लॉक पर भी निशाना साधा। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ करती थी। आज TMC के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। आज TMC के संरक्षण में यहाँ घुसपैठियाँ फल फूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। TMC सरकार राम का नाम नहीं लेने देती, ये सरकार राम नवमी नहीं मनाने देती। उन्होंने आगे इलाके के बारे में बात करते हुए कहा कि बैरकपुर की धरती इतिहास रचने वाली धरती है, आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन TMC ने इसका क्या हल बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए रैली में शामिल होने आए लोगों से अपनी 5 गारंटी का वादा किया, जो इस प्रकार है। पहली गारंटी, जब तक मोदी हैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, SC ST को और OBC का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, राम नवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। नंबर 4 गारंटी, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। और नंबर 5, CAA कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी बंगाल में हुई लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इनके मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित और बंगाल वालों को कहूँगा, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। मैं भ्रष्टाचार से पीड़ित हर बंगालवासी को कहूँगा, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को कैसे मिले, मोदी इसका भी रास्ता खोज रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल जरूरी है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपको TMC के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। भारी संख्या में वोट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में जाइए और लोगों से मिलिए और कहिएगा मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको जय श्री राम कहा है। जी हाँ, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर।